नमस्कार, मैं हूं दिव्या। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 9 अगस्त दिन शुक्रवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार में मठ मंदिर और ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन करवाना हुआ अनिवार्य। बिहार में सड़क दुर्घटना में घायलों की मदद करने वालों को मिलेंगे 10,000 के इनाम। शिक्षा विभाग ने शिक्षकों को भेजा मैनेजमेंट गाइडलाइन, जानिए इसमें क्या मिले हैं निर्देश। इस आसान तरीके से घर बैठे बनवा सकते हैं जाति, आवासीय और आय प्रमाण पत्र। अब चेकों के भुगतान के लिए क्लियरेंस में नहीं लगेंगे 2 दिन के समय। प्रदेश के सभी आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर खुलेंगे हर्बल गार्डन। अब चले बढ़ते हैं अब तक के 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। एपेक्स बैंक में विभिन्न पदों पर निकली भर्ती, जल्द करे आवेदन। मध्य प्रदेश राज्य सहकारी बैंक यानी एपेक्स बैंक ने 197 पदों पर भर्ती निकाली है। ये भर्ती बैंक कैडर, बैंकिंग असिस्टेंट और असिस्टेंट मैनेजर के पदों पर निकाली गई है। इच्छुक उम्मीदवार इसकी आधिकारिक वेबसाइट apexbank.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया शुरू है और आवेदन करने की अंतिम तिथि 5 सितंबर है। इस भर्ती के तहत अलग अलग पदों के लिए अलग अलग शैक्षणिक योग्यता निर्धारित की गई है। उम्मीदवारों की आयु सीमा 18 से 35 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। भर्ती से संबंधित सटीक और अधिक जानकारी के लिए आप इसके आधिकारिक वेबसाइट और अधिसूचना को देख सकते हैं। इन आसान तरीकों से घर बैठे बनवा सकते हैं जाति, आवासीय और आय प्रमाण पत्र। घर बैठे आप जाति, आवासीय और आय प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं। इसके लिए आपको serviceonline.bihar.gov.in पर आना होगा। फिर इसके होम पेज पर आने के बाद RTGPS सेवा पर क्लिक करना होगा। यहां आपको सामान्य प्रशासन विभाग पर क्लिक करने के बाद जाति, आवासीय, आय प्रमाण पत्र सेवा का लिंक मिलेगा। यहाँ पर आपको जो प्रमाण पत्र बनवाने हैं उसे सिलेक्ट कर लें। फिर राजस्व अधिकारी स्तर, अनुमंडल पदाधिकारी स्तर और जिला पदाधिकारी स्तर तीनों में से अपना लेवल चुन लें, जिस लेवल पर आप अपना प्रमाण पत्र बनवाना चाह रहे हैं। उसके बाद फॉर्म में मांगी जा रही सभी जानकारी को भर दें। दस्तावेज अपलोड के ऑप्शन में मांगे जा रहे दस्तावेजों को अपलोड कर दें। फिर फाइनल सबमिट बटन पर क्लिक कर दें। इस तरीके से आप आसानी से घर बैठे ही जाति, आवासीय और आय प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। बिहारी बर्थडे स्पेशल में आज हम बात करेंगे शिव पूजन सहाय के बारे में। इनका जन्म आज के ही दिन वर्ष 1893 में बिहार में हुआ था। ये हिंदी के प्रसिद्ध उपन्यासकार, कहानीकार, संपादक और पत्रकार थे। इन्हें साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में 1960 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। इन्होंने कई प्रसिद्ध कहानी और उपन्यास लिखे हैं, जिसमें तूती मैना, देहाती दुनिया, कहानी का प्लॉट आदि शामिल है। इनके द्वारा संपादित पत्र पत्रिकाओं में मारवाड़ी सुधार, मतवाला, जागरण आदि शामिल है। शिक्षा विभाग ने शिक्षकों को भेजा मैनेजमेंट गाइडलाइन, जानिए इसमें क्या मिले हैं निर्देश। शिक्षा विभाग बिहार में शिक्षा के स्तर को सुधारने के लगातार प्रयास कर रहा है। अब इसी कड़ी में सभी शिक्षकों को शिक्षा विभाग ने मैनेजमेंट गाइडलाइन भेजा है। इसमें शिक्षकों को बताया गया है कि बच्चों को कैसे मैनेज करें, उनका पहनावा और लुक कैसा हो, गार्जियन को कैसे मैनेज करें, क्लास और स्कूल का प्रबंधन कैसे करें। शिक्षा विभाग द्वारा भेजे गए ये गाइडलाइन सरकारी स्कूलों के शिक्षकों को कुशल स्कूल मैनेजर के तौर पर ट्रेन करने में मददगार साबित हो सकती है। हर महीने सभी प्रखंड के एक एक टीचर, छात्र और छात्राओं को इस गाइडलाइन के आधार पर सम्मानित भी किया जाएगा। बिहार में मठ मंदिर और ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन करवाना हुआ अनिवार्य। बिहार में नीतीश सरकार ने मठ मंदिर और ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य कर दिया है। इस संबंध में सभी जिले को गैर पंजीकृत मंदिर, मठों और ट्रस्ट के रजिस्ट्रेशन के लिए निर्देश दिए गए हैं। गुरुवार को इस संबंध में कानून मंत्री नितिन नवीन ने कहा है कि इनका प्राथमिकता के आधार पर पंजीकरण किया जाएगा। सभी डीएम ये सुनिश्चित करें कि पंजीकृत मंदिर और मठों से संबंधित अचल संपत्तियों का ब्यौरा तुरंत BSBRT को उपलब्ध करवाएं। साथ ही सभी डीएम को ये सुनिश्चित करने को कहा गया है कि राज्य में पंजीकृत मंदिरों और मठों की भूमि सहित अचल संपत्तियों की बिक्री या खरीद ना हो। इसके अलावा बिहार हिंदू धार्मिक ट्रस्ट अधिनियम 1950 के मुताबिक राज्य के सभी सार्वजनिक मंदिरों या मठों, ट्रस्ट और धर्मशालाओं को BSBRT के तहत पंजीकृत होना जरूरी है।
बिहार में 644 दरोगा को उनके गृह क्षेत्र में मिला ट्रांसफर। बिहार में करीब 644 दरोगा का ट्रांसफर उनके गृह जिला या उनके आसपास के क्षेत्रों में कर दिया गया है। ये वैसे दरोगा है जो रिटायरमेंट के करीब पहुंच चुके हैं। ट्रांसफर को लेकर स्थानांतरण समिति की बैठक बुलाई गई थी। इस बैठक में ये फैसला लिया गया कि जो पुलिस पदाधिकारी अपने रिटायरमेंट के करीब पहुंच चुके हैं उन्हें उनके चॉइस किए गए जिले में स्थानांतरित किया जाएगा। बिहार में सड़क दुर्घटना में घायलों की मदद करने वालों को मिलेंगे 10,000 रुपए के इनाम। बिहार में लगातार हो रही सड़क दुर्घटनाओं में चोटिल व्यक्ति की जान बचाई जा सके इसके लिए बिहार सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। दरअसल बिहार सरकार में परिवहन मंत्री शीला मंडल ने कहा है कि घायल व्यक्ति के लिए शुरू का एक घंटा महत्वपूर्ण होता है, उसमें जान बच सकती है, इसलिए हम लोगों ने घायलों को मदद करने वाले लोगों को पुरस्कृत करने का काम शुरू किया था। पहले 5,000 रुपए दिए जा रहे थे, अब उसे बढ़ाकर 10,000 रुपए कर दिए गए हैं। बड़ी संख्या में लोगों ने इसमें रिस्पॉन्स दिखाया है। आगे उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार भी बिहार के इस पहल को अडॉप्ट कर रही है, वहां भी 5,000 रुपए घायलों को मदद पहुंचाने वाले लोगों को दिए जा रहे हैं। अब फोन पे, गूगल पे और पेटीएम जैसे पेमेंट ऐप से 5,00,000 रुपए तक का कर सकेंगे भुगतान। मोबाइल से ऑनलाइन या डिजिटल पेमेंट की सुविधा हो जाने से हम कभी भी और कहीं भी पैसे मंगवा सकते हैं। इसके लिए अब हमें बैंक जाने का झंझट नहीं रहा। ऐसे में यदि आप पेटीएम, फोन पे या गूगल पे जैसे पेमेंट ऐप का यूज करते हैं तो ये खबर आपके लिए है। दरअसल भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI ने 8 अगस्त को UPI के जरिए किए जाने वाले पेमेंट की सीमा को 1,00,000 रुपए से 5,00,000 रुपए तक करने का ऐलान किया है। UPI के जरिए हम आसानी से कभी भी कहीं से भी पोस्ट कर सकते हैं, जिस वजह से ये लोगों के लिए पसंदीदा तरीका भी बनता जा रहा है। लोगों के बीच इसकी लोकप्रियता भी देखते हुए RBI द्वारा ये ऐलान किया गया है। प्रदेश के सभी आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर खुलेंगे हर्बल गार्डन। प्रदेश में आयुष हेल्थ एंड वेलनेस केंद्रों पर अब हर्बल गार्डन भी देखने को मिलेगा। इस हर्बल गार्डन में कई तरह के औषधीय पौधे लगाए जाएंगे। जो भी मरीज वेलनेस सेंटर पर इलाज के लिए पहुंचेंगे उनके इलाज में इस औषधीय पौधे का उपयोग किया जाएगा। इस बारे में राज्य आयुष समिति में राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी डॉक्टर धनंजय शर्मा ने भी जानकारी दी है। उन्होंने बताया है कि राष्ट्रीय आयुष मिशन के तहत देश के सभी राज्यों में आयुष हेल्थ एंड वेलनेस केंद्र खोले जा रहे हैं। इन वेलनेस सेंटरों पर अंग्रेजी दवाओं की बजाय आयुर्वेदिक और जड़ी बूटियों के जरिए मरीजों का इलाज किया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग में 45,000 पदों पर जल्द होगी भर्ती। बिहार में स्वास्थ्य विभाग द्वारा जल्द ही 45,000 पदों पर बहाली की जाएगी। हालांकि अभी तक इसे लेकर किसी तरह के आदेश नहीं मिले हैं। आरक्षण को लेकर अभी भी संशय बरकरार है। सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश का इंतजार है। आपको बता दें कि जून में ही 45,000 रिक्त पदों पर स्वास्थ्य विभाग ने नियुक्ति प्रारंभ करने के निर्देश दिए थे। अब मीडिया में चल रही खबरों के मुताबिक रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए 65% आरक्षण को आधार बनाकर रोस्टर क्लियर कराया गया और नियुक्तियों की प्रक्रिया शुरू की गई थी। बांग्लादेश में हिंसा की स्थिति के बाद भारत में घुसपैठ की कोशिश। बांग्लादेश में तख्तापलट की स्थिति के बाद हिंसा अभी भी जारी है। बांग्लादेश की इस स्थिति को देखते हुए भारत बांग्लादेश की सीमा पर अलर्ट घोषित कर दिया गया है। कई बांग्लादेशी नागरिक ऐसी स्थिति को देखते हुए देश छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इसी कड़ी में बांग्लादेश के सैकड़ों नागरिक किशनगंज से सटे बंगाल के इस्लामपुर थाना क्षेत्र की सीमा पर आकर भारत से शरण मांगने लगे। इसकी जानकारी सामने आते ही कई अधिकारी वहां पहुंचे। उन्होंने हालात का जायजा लिया और उसके बाद सभी नागरिकों को वापस उनके गांव भेज दिया। इस मामले में सीमा सुरक्षा बल ने प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए बताया है कि नॉर्थ बंगाल फ्रंटियर के अधीनस्थ 2 BOP पर घुसपैठ की कोशिश की गई थी, जहां अधिकारियों और जवानों द्वारा उन्हें समझा बुझा कर वापस भेज दिया गया है। इस आपात की स्थिति से निपटने के लिए सीमा पर अतिरिक्त जवान की तैनाती की गई है और 24 घंटे सख्त निगरानी की जा रही है। बिहार के इन 4 जिलों में चाय की खेती के लिए सरकार देगी अनुदान। अब तक बिहार के किशनगंज में ही चाय की खेती प्रमुख रूप से देखने को मिलती थी, लेकिन अब चाय की खेती बिहार में किशनगंज के अलावे अररिया, सुपौल, पूर्णिया और कटिहार में भी होगी। इन जिलों में चाय की खेती करने के लिए किसानों को सरकार अनुदान भी देगी। दरअसल इन 4 जिलों में कृषि विभाग चाय की खेती के लिए योजना तैयार कर रहा है। ये सभी जिले किशनगंज के आसपास के जिले हैं जो चाय की खेती के लिए अनुकूल पाए गए हैं। जो किसान चाय की खेती न्यूनतम 0.1 हेक्टेयर और अधिकतम 4 हेक्टेयर में करेंगे
उन्हें सरकार अनुदान देगी। यदि इसमें 4,94,000 रुपए तक का खर्चा आता है तो उसका 50% करीब 2,47,000 सरकार देगी। किसानों को ये अनुदान दो किस्तों में दिया जाएगा। पहली किस्त में करीब 75% अनुदान मिलेंगे और दूसरी किस्त में 25% अनुदान दिए जाएंगे। डिज्नी प्लस यूजर को अब पासवर्ड शेयर करना होगा मुश्किल। ओटीटी प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस यूजर के लिए बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल कई लोग ऐसे होते हैं जो इन ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के पासवर्ड अपने किसी दोस्त या करीबियों से शेयर करते हैं, लेकिन जो पासवर्ड शेयर करते हैं उन पर जल्द ही डिज्नी नकेल कसेगा। दरअसल द वर्ज की एक रिपोर्ट के मुताबिक बुधवार को एक अर्निंग कॉल के दौरान डिज्नी के CEO बॉब इगर ने घोषणा की है कि कंपनी से सितंबर से आपके घर के बाहर के लोगों के साथ पासवर्ड शेयर करने के खिलाफ नए नियमों को लागू करना शुरू कर देगी। हालांकि इसके लिए क्या कदम उठाए जाएंगे अभी तक कुछ साफ तौर पर नहीं बताया गया है। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना का इतने लोगों को अब तक मिला लाभ। बिहार सरकार प्रदेश के बेरोजगार युवाओं के लिए मुख्यमंत्री उद्यमी योजना और लघु उद्यम योजना चला रही है। इस योजना के तहत अभी तक 40,000 युवाओं को फायदा मिल चुका है। हालांकि सरकार का लक्ष्य 50,000 का है। इस संबंध में उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा ने कहा है कि इस साल अभी तक 5,00,000 लोगों ने उद्यमी योजना को लेकर रजिस्ट्रेशन करवाए हैं। यदि आप भी इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 16 अगस्त है। इस तारीख से संबंधित अधिक जानकारी के लिए आप टोल फ्री नंबर 1800-345-6214 पर संपर्क कर सकते हैं। कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम के 5 बजे तक। बोधि वृक्ष के स्वास्थ्य की देहरादून से आई टीम ने की स्वास्थ्य जाँच। बिहार के बोधगया में अंतर्राष्ट्रीय बोधि वृक्ष अंतर्राष्ट्रीय धरोहर महाबोधि मंदिर के परिसर में स्थित है। इस बोधि वृक्ष की हर 6 महीने पर स्वास्थ्य जांच होती है। बोधि वृक्ष पर वैज्ञानिकों ने जरूरत के अनुरूप दवा का छिड़काव भी किया है। इस वृक्ष के जांच के लिए देहरादून की फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की टीम 6 अगस्त को आई थी। आज भी बोधि वृक्ष के स्वास्थ्य की जाँच की जाने वाली है। टीम के मुताबिक बोधि वृक्ष पूरी तरह से स्वस्थ है। बिहार सरकार बिहार को फाइलेरिया मुक्त बनाने की कर रही पहल। सामूहिक रणनीति के तहत राज्य सरकार फाइलेरिया मुक्त बिहार के लिए काम कर रही है। इसके लिए फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम को लेकर मीडिया कार्यशाला का आयोजन गुरुवार को देखने को मिला। इस दौरान अपर निदेशक सह राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी डॉक्टर परमेश्वर प्रसाद ने बताया कि 10 अगस्त से 13 जिलों में मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। इस दौरान फाइलेरिया रोधी दवा करीब 3.5 करोड़ लोगों को खिलाई जाएगी। इन 13 जिलों में भोजपुर, बक्सर, किशनगंज, मधेपुरा, नालंदा, नवादा, पटना, दरभंगा, लखीसराय, पूर्णिया और रोहतास व समस्तीपुर शामिल। अब चेकों के भुगतान के लिए क्लियरेंस में नहीं लगेगा 2 दिन का समय। बैंकों से चेकों के भुगतान के लिए उसे क्लियरेंस कराने के लिए 2 दिन का समय लग जाता है। चेक क्लियरेंस कराने के लिए आज भी पुरानी पद्धति पर काम किया जा रहा है, लेकिन अब भारतीय रिजर्व बैंक इस पुरानी व्यवस्था को बदल रहा है। इस नई व्यवस्था के तहत चेकों की क्लियरेंस अब 2 दिन की जगह 2 घंटे में ही पूरे हो जाएंगे, जिससे लोग चेक जमा करने के कुछ घंटे के बाद ही आसानी से पैसे अपने खाते में ट्रांसफर कर सकेंगे। इससे ग्राहकों को काफी फायदा होगा। ग्राहकों के अकाउंट में बहुत ही कम समय में पैसे आ जाएंगे। जाने क्या रहेगा आज प्रदेश के मौसम का मिजाज। बिहार में मॉनसून अपना रंग दिखा रहा है। बिहार के कई जिलों को भारी बारिश के लिए मौसम विभाग द्वारा चेतावनी जारी की गई है। कई जगहों पर तेज बारिश के साथ ठंड का गिरने की आशंका भी जताई गई है। आज भी प्रदेश में कुछ जगहों पर बारिश की संभावना है। बिहार में कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, गया और बक्सर जिले में 1 या 2 स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है। प्रदेश में आज का अधिकतम तापमान 32 से 34 डिग्री और न्यूनतम तापमान 24 से 26 डिग्री रहने की बात कही गई है। इंडस्ट्रियल हब के रूप में 2 नंबर पर आया पूर्णिया। बिहार में पूर्णिया भी अब तक इंडस्ट्रियल हब के रूप में उभरता हुआ नजर आ रहा है। अब तक इंडस्ट्रियल हब के मामले में पटना पहले स्थान पर है, वहीं इस मामले में पूर्णिया अब 2 स्थान पर अपना स्थान बना चुका है। सीमांचल क्षेत्र में पूर्णिया प्रमुख जिलों में से एक है और यहां बीते 6 महीने के भीतर करीब 28 कंपनियों ने 400 करोड़ रुपए के निवेश किए हैं। इसमें सबसे ज्यादा निवेश फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में हुआ है। इसमें करीब 189 करोड़ का निवेश देखने को मिला। वहीं मखाना में करीब 24 करोड़ का निवेश किया गया है। निवेश करने वाली कंपनियों में अदानी ग्रुप के साथ और भी कई प्रसिद्ध कंपनियां शामिल हैं, जिसमें बियाडा, मरंगा, बनमनखी और पूर्णिया ईस्ट में उद्योग धंधे स्थापित करने के लिए निवेश किए गए हैं।
जीएसटी पूर्व के बकाया को समाप्त करने के लिए मिल रहा सुनहरा अवसर। जीएसटी पूर्व का बकाया समाप्त करने का सुनहरा अवसर है। बिहार कराधान विवाद समाधान योजना के अंतर्गत आवेदन देने की अंतिम तिथि 25 अगस्त है। आप चाहें तो आवेदन दाखिल करके योजना का लाभ उठा सकते हैं। यदि विवाद के लिए कोई अपील है, रिवीजन दाखिल नहीं भी किया गया है, तो भी इस योजना का लाभ लिया जा सकता है। यदि विवाद के विरुद्ध नीलाम पत्र दायर किया गया, तब भी इस योजना का लाभ लिया जा सकता है। FSSAI ने बताया फल पर लगे स्टिकर का मतलब और कैसे आपको पहुंचाता है ये नुकसान। फलों पर लगे स्टिकर का क्या मतलब होता है, इसके बारे में FSSAI ने जानकारी दी है। इसके मुताबिक यदि किसी फल के स्टिकर का कोड 9 से शुरू होता है और ये संख्या 5 अंकों की है, उदाहरण के लिए 9451, तो ये फल जैविक यानी ऑर्गेनिक तरीके से उगाए गए हैं, ये फल आपके लिए लाभदायक हो सकते हैं। वहीं यदि फल पर कोड 8 से शुरू हो रहा है और 5 संख्या है, उदाहरण के लिए 86543, तो ऐसे फल में अनुवांशिक संशोधन किया गया है, ये फल इनऑर्गेनिक है। वहीं यदि फल पर केवल 4 अंक के ही कोड लगे हैं, तो समझ लीजिए कि ये फल कीटनाशकों और रसायनों से उगाए गए हैं, जो आपकी सेहत को नुकसान पहुँचा सकते हैं। हालांकि कई बार दुकानदार अपने फलों पर स्टीकर लगाते हैं ताकि फल के सरे गले हिस्से को छिपा सके। डॉक्टरों के मुताबिक इन स्टीकर को फलों पर चिपकाने के लिए कई तरह के गोंद का इस्तेमाल भी होता है, जो स्वास्थ्य कारणों से हानिकारक साबित हो सकता है। इसलिए खाने के दौरान फल को अच्छी तरह से धो ले, जहां पर स्टिकर लगा था वहां पर फल के हिस्से को काट ले, ताकि गोंद कैसे भी क्वालिटी का हो, आप इसको आसानी से, आपको इससे कोई नुकसान नहीं होगा। राजद ने वक्फ कानून संशोधन बिल का किया विरोध। बीते दिन केंद्र सरकार द्वारा संसद में वक्फ कानून संशोधन बिल प्रस्तुत किया गया। बिहार से जदयू ने इस बिल का जहां समर्थन किया है, वहीं राजद इस बिल का खुलकर विरोध कर रही है। इस मामले में तेजस्वी यादव ने अपने सोशल मीडिया एक्स पर कुछ पोस्ट भी शेयर किया है, जहां उन्होंने कहा है कि वक्फ कानून में संशोधन एक सोची समझी साजिश के तहत भाजपा ला रही है, ताकि जदयू लोजपा इस ध्रुवीकरण के औजार में सहभागी रहे। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड सहित अनेक मुस्लिम ताजिमों, दानश्वरों और हमारी पार्टी के मुस्लिम लीडरों से प्राप्त सुझाव एवं विचार विमर्श उपरांत हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री लालू प्रसाद जी और मैं ने लोकसभा और राज्यसभा के अपने सांसदों को इस संविधान विरोधी दल का बिल का पुरजोर विरोध करने को कहा था। संविधान की धारा 29 हर धर्म को स्वायत्तता और स्वतंत्रता देती है और उसका सम्मान खारिज करने की हर नीति और नियत के खिलाफ हम लड़ते रहेंगे। संयुक्त संसदीय समिति में हमारे दल के सदस्य बिंदुवार हर पहलू पर अपना पक्ष मजबूती से रखेंगे। वॉशिंगटन सुंदर और महिला टीम की इन दो खिलाड़ियों को आईसीसी ने किया सम्मानित। भारतीय टीम के स्टार ऑलराउंडर वॉशिंगटन सुंदर को आईसीसी ने जुलाई के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के रूप में नामित किया है। महिला टीम से भी स्मृति मंधाना और शेफाली वर्मा इस अवार्ड से सम्मानित की गई हैं। दोनों ने ही श्रीलंका की मेजबानी में हो रहे महिला एशिया कप में अच्छा प्रदर्शन किया था। वहीं वॉशिंगटन सुंदर ने भी जिम्बाब्वे और श्रीलंका के दौरे पर शानदार प्रदर्शन किया था। कई कारणों से दर्ज है भारत इतिहास में आज की तारीख। आज के दिन वर्ष 1683 में एक आदेश के जरिए ब्रिटिश राजशाही ने ईस्ट इंडिया कंपनी को एशिया में युद्ध अथवा शांति की घोषणा का अधिकार दिया था। आज के दिन वर्ष 1925 में क्रांतिकारियों ने काकोरी में एक ट्रेन लूट की थी। क्रांतिकारियों का मकसद ट्रेन से सरकारी खजाना लूट कर उन पैसों से हथियार खरीदना था। आज के ही दिन वर्ष 1942 में महात्मा गांधी को ब्रिटिश सरकार ने गिरफ्तार किया था। आज के ही दिन वर्ष 1970 में देश के महान स्वतंत्रता सेनानी त्रिलोकीनाथ चक्रवर्ती दुनिया को अलविदा कह गए थे। आज के ही दिन इन्होंने 30 साल तक अपना जीवन जेल में काटा था और सबसे लंबे समय तक जेल में रहने वाले स्वतंत्रता सेनानी हुए थे। आज के ही दिन वर्ष 1971 में भारत रूस मैत्री संधि पर हस्ताक्षर हुआ था। एक फर्जी वेबसाइट खुद को इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड की आधिकारिक वेबसाइट का कर रहा दावा। एक फर्जी वेबसाइट को लेकर खबर सामने आई कि दरअसल www.indraprasthgasdealer.com नाम का ये वेबसाइट खुद को इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड की आधिकारिक वेबसाइट होने का दावा कर रहा है। यहाँ सीएनजी पंप डीलरशिप की पेशकश कर रहा है, लेकिन आपको बता दें कि ये खबर पूरी तरह से फर्जी है। इस तरह की खबरों पर विश्वास करने से बचे। इस वेबसाइट को लेकर PIB फैक्ट चेक ने भी जानकारी शेयर की है, जहाँ इसे फर्जी बताया गया है। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल पूछेंगे, उसका जवाब बताएंगे, जो कि BPSC, बिहार पुलिस, दरोगा समेत SSC जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, BRS पे सर, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवालों में आपने कितना सही उत्तर दिया है हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। तो हमारा पहला सवाल है,
हाल ही में चौथी G20 व्यापार और निवेश मंत्री स्तरीय बैठक कहाँ शुरू होगी? ऑप्शन ए कोलकाता, ऑप्शन बी है लखनऊ, ऑप्शन सी है जयपुर, ऑप्शन डी है बेंगलोर, इसका सही उत्तर है जयपुर। हाल ही में किस राजद के मुख्यमंत्री ने रतन टाटा जी को सरकार का पहला उद्योग रत्न पुरस्कार प्रदान किया है? ऑप्शन है कर्नाटक, ऑप्शन बी है महाराष्ट्र, ऑप्शन सी है गुजरात, ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश, इसका सही उत्तर है महाराष्ट्र। हाल ही में साउथ इंडियन बैंक के नए MD एंड CEO कौन बने हैं? ऑप्शन है अमृत सिंह, ऑप्शन बी राजीव शुक्ला, ऑप्शन सी है PR सिसद्री, ऑप्शन डी है सतीश चंद्र, इसका सही उत्तर है PR सिसद्री। 1940 में कांग्रेस के रामगढ़ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ऑप्शन है RN मथुलेकर, ऑप्शन बी है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन सी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी है सुभाष चंद्र बोस, इसका सही उत्तर है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। निम्न में किस स्थान पर अशोक के अभिलेख मिले हैं? ऑप्शन है लोरियागढ़, ऑप्शन है लोरिया नंदनगढ़, ऑप्शन बी है लोरिया रेराज, ऑप्शन सी है रामपुरवा, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी, इसका सही उत्तर है उपरोक्त सभी। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लेकर दिया था। जिन्होंने द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब जिनके नाम है इस पासवान, रामशंकर सिंह, अनिल कुमार, अनिल सुदामा, अमित सुदामा यादव, जितेंद्र कुमार सिंह, अब्दुल मनन, मीरा देवी, रामवृक्ष कुशवाहा, भरत प्रसाद, रामबाबू यादव, संदीप यादव, लालमोहन कुमार। इसके साथ ही बढ़ते आज के सवाल को, आज का सवाल है बिहार में मंदिरों, मठों और ट्रस्टों के रजिस्ट्रेशन पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज़। और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना, अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।